देखिए, ये हमारे पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन आया, रेडमी का Y3 मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? चार्जिंग की प्रॉब्लम है। आज हम लोगों ने क्लास में चार्जिंग के बारे में पूरा सिस्टम समझा हुआ है, उसी तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहला तरीका तो मैं चेक करने का वो बताऊँगा जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। दूसरा तरीका वो होता है जो हम लोग बोर्ड न्यूसोमेटिक की मदद से चेक करते हैं, और उसके बाद तीसरा तरीका होता है जो हम लोग एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में चेक करने का तब तरीका होता है जब हमारे पास बोर्नियोसिमेटिक में ऑप्शन ना हो। बोर्नियोसिमेटिक में जो खुलता क्या है, वो प्लेट ही तो खुलती है, वो बोर्ड ही खुलता है। जो आप दूसरे बोर्ड में देखने जाते हो वो ये पहले ही बता देता है कि देखिए इसमें ऐसा ऐसा लाइन गया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, लाइन ख़राब है उसको जोड़ लीजिए, चालू हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग आज इसमें पूरा समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस मोबाइल फ़ोन को खोलना है। मोबाइल फ़ोन खोलने से पहले आप सब लोग ध्यान दे लीजिए कि ये प्लास्टिक का क्या है। अगर ये प्लास्टिक का बैक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कैसा भी खोल दीजिए, लेकिन अगर इसका आगे का हिस्सा कांच है तो फिर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको मशीन से अच्छे से गर्म करके खोलेंगे, अगर ताका लगा देंगे तो कांच टूट जाएगा, चटक जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या ध्यान देना है, कांच है कि प्लास्टिक है? कांच प्लास्टिक का तो आप लोगों को खुद ही देखते ही आइडिया हो जाएगा, और नहीं आइडिया हो जाएगा तो टूटने के बाद आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले क्या किया, हम लोगों को बैक पैनल खोलना है। बैक पैनल खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्ट्रेस वाली ताकत नहीं लगानी होती है, इसमें थोड़ी सी ताकत लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, तो अपने मन से ओपन होते जाएगा। बहुत ऐसे लोग झट से ताकत लगा देते हैं, तोड़ तोड़ के रख देते हैं। और खींचने के बाद आपको ध्यान रखना है इसका फिंगरप्रिंट कहाँ है, ठीक। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं, चट से खींच देते हैं तो उसका फिंगरप्रिंट क्या हो जाता है, टूट जाता है। आज हम लोग इस मोबाइल फ़ोन में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि चार्जिंग की समस्या को कैसे ठीक किया जाएगा, उसका तरीका क्या होगा, और इसको डीसी मशीन से भी चेक करके देखेंगे, ठीक। देखो ये हमने खोल दिया, देखिए इसका ये फिंगर लगा हुआ है, ठीक। यह तो फिंगर को यहाँ से निकाल लीजिए, आपका बैक पैनल क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे का भी खोलेंगे और ऊपर का भी खोलेंगे, नीचे ऊपर दोनों खोलेंगे। हमको स्क्रू ड्राइवर दीजिए, जैसा हम आपको ये रिपेयरिंग में हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से इसका वीडियो भी हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप लोग जब भी फ्री होंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखेंगे, उससे ये रहेगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि सर ने कैसे चेक किया। तो क्या करना है, आपको फॉलो करना है। पहली बात, जो हम आपको तरीका सिखाते हैं उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, चेक करें, उसके बाद फिर आप उसमें कोई नया तरीका डालें। ये नहीं कि हमारा पीछे कर दो अपना आगे कर दो। तो यहाँ पर देखिए, मोबाइल फ़ोन खोलने पैक करने में लोग गलती क्या कर देते हैं, ये फ्लक्स पत्ता है बदल देते हैं, मेन ऊपर होता है सब नीचे होता है। क्या कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। ऊपर नीचे करने से कई बार चलो सप्लाई अगर सही अगर जगह से गई नहीं है, अगर सही चली जाती है ना तो मोबाइल फ़ोन भ्रष्ट हो जाता, फूक जाता, बिल्कुल फ़ोन ख़राब हो जाएगा। जब फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो सर डेड, फिर कहेंगे सर अभी तो चल रहा था जब हमने पैक किया तब डेड हो गया। देखिए हमने क्या कर दिया, चिपका हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें पत्ता उल्टा लगा तो एक बार पत्ते में तो पत्ते को निकाल देते हैं, लाइन
हो गया। तो ऐसे ही एक दिन एक बार मेरे पास ऐसे ही कस्टमर आए थे मोबाइल फ़ोन, उन्होंने पहले कहीं दिखाया था और ये रहने वाले थे, उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिखाया, मोबाइल फ़ोन उस बंदे ने क्या किया कि पत्ते को उल्टा लगा दिया, जैसे ही पत्ता उल्टा लगा दिया तो कस्टमर के सामने चार्जिंग लगा तो फुस से धुआं निकला। कस्टमर उसको देख रहा, वो मोबाइल फ़ोन वाले को देख रहा, कह रहा तूने मेरा फ़ोन फूंक दिया। तो कहता है अरे हमने नहीं फूंका, अभी तुम्हारे सामने तो फूंका है। वो जान ही नहीं पाया कि कैसे फूंक गया, अभी तो सही चल रहा था, सिर्फ हमने खोल के लगाने में फ़ोन फूंक गया। तो कस्टमर कह रहा चल कहीं से भी फ़ोन ठीक करा, हमारा ठीक करा के दे। तो कह रहा तो यहाँ पर जब कहीं मोबाइल फ़ोन नहीं ठीक होता तो लोग कहते हैं एक ही जगह दिखती है, सागर मार्केट। तो उसको बाइक में बिठाया और सागर मार्केट तक दौड़ा के लगाया, चल फ़ोन ठीक करा। मोबाइल फ़ोन यहाँ पर आया हमारे पास आ गया, क्योंकि सुबह सुबह 10 बजे से पहले तो मार्केट कोई खुलती नहीं है, यहीं पर आते थे। तो कहता देखो भैया मोबाइल फ़ोन ख़राब है, इसे ठीक हो जाएगा। हमने क्या किया, कह रहे अब पत्ता पता नहीं कैसे हो गया कि हमसे धुआं निकल गया, कुछ दिक्कत नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं उसमें। फिर हमने देखा, हमने कहा तुमने पत्ता उल्टा लगा दिया है। कस्टमर कह रहा है जितना भी पैसा लगेगा सब तू देगा। उसमें क्या कस्टमर तो बोलेगा ही। हाँ फिर हमने बोला कि 1000 रुपये लगेगा, तो कह रहे 1000 नहीं तुम 2000 लो, यही देगा पैसे, तुम ठीक कर दो खाली हमारा। कह रहे तुमको जितना लेना तुम ले लो पैसे, पैसा सब ये देगा। वो दुकान वाला कुछ नहीं करे, कस्टमर जबरदस्त था। फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी चार्जिंग आईसी शॉर्ट मार गई थी, तो फिर हम लोगों ने आईसी को बदल दिया, तो उसका फ़ोन चालू हो गया था। फालतू पैसे नहीं लिए, उसका ठीक करके दे दिया। तो ये देखो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन आते हैं। इस मोबाइल फ़ोन में एक छोटी सी गलती थी, क्या था, पत्ता उल्टा लगा हुआ था ना। ये देखो हम लोग यही सिखाते हैं, यही गलती आप लोग कर देते हो। अब इसी चीज़ को देखिए, मैं आपको चलिए इसमें पूरा प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। चार्जिंग लाइन को चेक कैसे करेंगे, चार्जिंग लाइन को चेक करने के बाद यहाँ से जब आपका करंट आता है, ये करंट आपका ऊपर चला जाता है। ये ऊपर करंट जाने के बाद पत्ते के माध्यम से किस पे चला जाता है, गोले पे जाता है। किस पे जाता है, गोले पे जाता है। अगर तुम इस गोले को डीसी सप्लाई मशीन से चेक करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात क्या है, ये जैसे हमारे पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, ये रेडमी का कौन सा मोबाइल फ़ोन है, Y3 मोबाइल फ़ोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेडमी का Y3 मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग सर्किट अपने सिमेटिक में हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं। ऐसे कैसे देखते हैं, देखिए ठीक है, हमने क्या किया, इसको मिनिमाइज किया। अब इसके अंदर अगर कहीं देखेंगे, कहीं Y3 आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है रेडमी 7 है, अब रेडमी 7 में चार्जिंग डाटा निकाला। ये देखिए यहाँ पर ये गोला जा रहा है, ये गोला दिख रहा है, ये तो हमारा चार्जिंग का गोला है। चार्जिंग से सप्लाई जाएगी, चार्जिंग सप्लाई जाने के बाद कैपेसिटर पर गई, कैपेसिटर के बाद ये बीच में लगी ओवीपी आईसी सप्लाई निकली। फिर कंपनी ने 2 फ्यूज लगा दिए हैं, कितने लगा दिए हैं, 2 फ्यूज लगा दिए, सब जाली के अंदर लगे हैं फ्यूज हैं। 2 फ्यूज के बाद फिर सप्लाई आगे जाएगी, अब फिर सप्लाई आगे कहाँ जाएगी, इस आईसी कैपेसिटर से होते इस आईसी के अंदर चली जाएगी। अब देखिए इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कंपनी ने कितना बढ़िया प्रोटेक्शन डाला है, देखिए कैपेसिटर भी लगाया, ओपी भी लगाई और 2 फ्यूज लगाए, कितना अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ताकि हाँ हाँ कुल मिला के अगर चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस गोले पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग पकड़ लेगा। अब देखिए अगर इस चीज़ को डीसी सप्लाई मशीन से टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा पत्ता तो नहीं खराब है, लाइन तो नहीं खराब है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हमारी डीसी सप्लाई मशीन होती है, इस मशीन से हमको करंट देना पड़ेगा। इसके लिए वहाँ से इसका एडाप्टर लेके आना जरा, इसका तो कैसे चेक करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, हमको मशीन को क्या करना है, 5 वोल्ट पे सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है, 5 वोल्ट पे सेट करना है, 5 वोल्ट पे सेट कर दिया। एम्पियर कितना है, 3 है, ठीक। अब करंट निकलना हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये देखिए इससे कितना वोल्टेज करंट निकलेगा, 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट में तुमको क्या करना है, एक पिन को ग्राउंड पे लगा देना है। कहाँ पे लगा देना है, ग्राउंड पे लगा देना है।
एक पिन को अगर इसमें नहीं टच कर सकते तो मल्टीमीटर में टच कर लीजिए, और एक पिन को क्या कर दीजिए, ग्राउंड पे लगा दीजिए ऐसे। देखिए देखिए लगा दिया। उसके बाद जैसे ही ये जो गोला है, कौन सा गोला है, ये वाला, इस पर देखना, जैसे ही मैं 5 वोल्ट करंट दूंगा तो मोबाइल फ़ोन तुरंत चार्जिंग शो कर जाएगा और यहाँ पर एम्पियर रीडिंग चालू हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात ये भी कि हम अगर उल्टा लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मशीन करंट देगी नहीं। मशीन तभी करंट देती है जब मोबाइल फ़ोन करंट लेता है। वही बात होती है जब शादी में नहीं होता है कि जब मुंह में रसगुल्ला तभी खिलाया जाएगा जब तुम खोलोगे, जब तक खोलोगे नहीं तो नहीं खिलाया जाएगा। उसी तरीके से जब मोबाइल फ़ोन करंट लेगा तभी मशीन देगी, नहीं तो करंट नहीं देगी। देखिए देखो मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग बता दिया। अगर हमने ऊपर 5 वोल्ट करंट दिया और 5 वोल्ट करंट देने के बाद मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आ गई, तो इससे हम लोग ये समझ जाएंगे कि इसके नीचे का यूआई खराब है या पत्ता खराब है, लेकिन चार्जिंग का ट्रैक सही है। दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा सबको? हो रहा है सर। यस, देखो करंट ले रहा है। तो इससे हमको एक बात ये क्लियर हो जाती है कि हमने तुरंत मशीन से 5 वोल्ट करंट को सेट किया। अब 5 वोल्ट करंट सेट करने के बाद जो हमने करंट दिया तो हमारा या तो यूआई खराब होगा या पत्ता खराब होगा, चार्जिंग सही है और कस्टमर को बोलेंगे भाई 150 रुपये लगेगा, चार्जिंग हो जाएगा। क्योंकि चार्जिंग तो हो ही रहा है, खराब क्या है, नीचे का यूआई खराब है, पत्ता खराब है, उल्टा पत्ता लगा दिया तो भी खराब था, पत्ता कट गया तब भी खराब है, नीचे का यूआई खराब है तब भी खराब है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नीचे का सिस्टम खराब है, ऊपर के सिस्टम से कनेक्ट करके चार्जिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गोले पर सप्लाई दिया। ये गोला हमको पता कैसे चला? हमको सिमेटिक ने बता दिया। अगर यहाँ गोले से भी ना होता तो जो ऊपर फ्यूज लगा है तो हम सारे को वहाँ डायरेक्ट करंट दे देते तो भी चार्जिंग बता देता। तो इसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है वोल्टेज दे करके चेक करना। हॉट टेस्टिंग में 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाता है। ये नहीं कि लगाओगे चेक करो तुरंत रिजल्ट सामने, देखो चार्जिंग होने लगा, रिजल्ट आ गया, चार्जिंग हो रहा है, बस यहाँ से 5 वोल्ट करंट दे दीजिए चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हॉट टेस्टिंग में हमको तुरंत एग्जैक्टली तुरंत क्लियर हो जाता है, हमको भी संतुष्टि हो जाती है कि नहीं भाई हम मोबाइल फ़ोन ठीक कर दिया और बस हमको ये करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हो, फिर से पूछो। हाँ, अगर ना चार्ज होता तो फिर इसके आगे क्या लगाया, कैपेसिटर, ओबीपी, फ्यूज, फिर उसके बाद भी नहीं तो फिर आईसी पे पहुंच जाते हम लोग, आगे चले जाते बिल्कुल बिल्कुल, फिर करंट यहाँ दे देते, फिर नहीं होता यहाँ, अब यहाँ जाली लगी है ना, नहीं तो इसको फाड़ के तुमको यहीं पर करंट दे के दिखाते। तो चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? अब 5 वोल्ट कहाँ से आ गया? डीसी मशीन से आ गया। इस डीसी मशीन की यही खासियत होती है कि ये मशीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी करंट देती है। चार्जिंग सेक्शन शॉर्टिंग है, अगर चार्जिंग सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग होती तो जैसे मैं लगाता तो मशीन फट से वो उसमें आ जाती, मतलब एम्पियर फुल हो जाते, वोल्टेज जीरो हो जाते। मशीन शॉर्टिंग बता देती है ना, अगर मशीन एम्पियर फुल बताती है और वोल्टेज जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब 100% मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग है। मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, इससे तुरंत क्लियर हो जाएगा, उससे भी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तुरंत चेक हो जाएगा इसमें। नहीं देगा, देगा ही नहीं ना तुमको। ये देखो इस मशीन की वही खासियत है कि जब मुँह खोलोगे तभी रसगुल्ला खिलाएगा, जबरदस्ती नहीं डालेगा, नहीं लेगा ही नहीं। अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन में तो उल्टा करंट देते हो तो नहीं देगा। ये तभी देता है जब कोई चीज़ ले, लोड ले, और हम लोग जो डायरेक्ट चार्जर वार्जर बैटरी वैटरी से अगर कोई सप्लाई देते हैं तो वो डायरेक्ट सप्लाई होती है, उसमें क्या रहता है कि वो तुम दे दोगे, वो नहीं है तब भी जाएगी, है तब भी जाएगी। इसमें एक फ़ायदा रहता है कि हम लोग चार्जिंग की केबल यहाँ पर लगा लेते हैं, यूएसबी केबल नहीं होती अब तो नई नई मशीनों में, डाटा केबल लगाने का सीधा ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर हम लोग डाटा केबल लगा लेते हैं, और डाटा केबल लगाने के बाद प्लस माइनस लगा करके लगाएंगे। अगर मोबाइल फ़ोन में ये मशीन की रीडिंग चालू हो जाती है तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि चार्जिंग का लाइन हमारा सही है। तो इस तरीके से भी हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो ये जो मैंने आपको कनेक्ट करके बताया तो इससे आपको ये क्लियर हुआ कि एक बार में शॉर्ट में आपका क्लियर हो जाता है कि चार्जिंग के बोर्ड हमारे 5 वोल्ट जा रहा है और चार्जिंग हो रही है, लाइन क्लियर है। तो अरे तो उल्टा कहाँ चेक करोगे, किसी भी सप्लाई दोगे तो सप्लाई उल्टा कहाँ दोगे,
उल्टा अगर तुम सप्लाई मान लो कल को अगर दे भी देते हो, मान लो तुम्हारी बात मान लिया, उल्टा सप्लाई दे दोगे तो मशीन के अंदर मशीन शॉर्टिंग बताने लगेगी। देखिए देखिए देख, जैसे तुम इसको उल्टा लगाते हो, उल्टा लगाने के बाद जब आप इसको कभी भी करंट दोगे तो करंट देते ही ये मोबाइल फोन में देखो बता रहा शॉर्टिंग देखो ना, वोल्टेज जीरो हो रहा है, एम्पियर फुल हो रहा है। मैं लगा कर ज़्यादा देर लगा कर रखूँगा तो मशीन ही खराब हो जाएगी। फिर देखिए वोल्टेज जीरो हो गए और एम्पियर फुल। और अगर देखिए मैं इसको जस्ट पलट देता हूँ अभी, अगर मैं किसी और माध्यम से करंट देता तो अब तक मोबाइल फोन चटाक से फूक जाता। हाँ अरे भाई क्यों नहीं धुआं दे देगा, फिर सीधे सप्लाई जाएगी। और सीधे सप्लाई जाने का मतलब क्या है, इसको खोलो जरा, देखिए आप देखो नहीं शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक, तो उल्टा से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये हॉट टेस्टिंग है सर, फुल टेस्टिंग में सर रेड प्रूफ को ग्राउंड पे करना। हाँ हॉट टेस्टिंग में सर रेड प्रूफ को उल्टा लगाना पड़ता है सर, उल्टा लगाना पड़ता है, उल्टा लगाना पड़ता। तो ये आपको समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग के सर्किट को क्या करते हैं, चेक करते हैं, और डीसी मशीन से भी चेक करते हैं, उससे भी चेक करते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन में क्या फॉल्ट था कि मतलब जिसने फ़ोन को ठीक किया था वो बता। कई बार ऐसा होता है जो नए लोग होते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं, वो फ़ोन खोलते हैं पत्ता खोल देते हैं, पत्ता उल्टा कर देते हैं, चार्जिंग जाएगा UI नया लगा देते हैं, फिर भी चार्जिंग नहीं होता। अब वो कहते हैं फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका दिमाग नहीं जाता कि उनका UI पत्ता उल्टा हो गया है। ठीक है, ठीक है। Okay. Yeah, yeah, yeah.